विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि हम सबको हेपेटाइटिस बी और सी वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। WHO के अनुसार देश में 5 करोड़ से भी अधिक हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित लोग हैं और इसके कारण मृत्यु दर भी काफ़ी है, लेकिन COVID-19 जैसी महामारी के समय जिस तरीके से देश की जनता ने सामूहिक रूप से संकल्पित होकर इस महामारी का मुकाबला किया और देश की जनता ने जिस तरीके से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाई, मुझे आशा है भविष्य के अंदर जो हमारा संकल्प है कि 2030 तक हम इस देश से हेपेटाइटिस बी और सी को रोकने में कामयाब होंगे, और ये जब ही कामयाब होंगे जब हमारे सभी जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, जन आंदोलन बनाएंगे, जागरूकता पैदा करेंगे और इस वायरस को रोकने के उपायों को, इंतजामों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि ये वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके लक्षण प्रारंभिक रूप से नज़र नहीं आते और इसीलिए ये वायरस जब बहुत तेज़ी से फैल जाता है और अंगों पर बहुत प्रभाव डालता है उस समय इसके लक्षण का पता चलता है। अगर हमने अवेयरनेस के आधार पर इस वायरस को रोकने का काम किया तो मुझे आशा है कि इसके परिणाम आ सकते हैं और हम जो देश के अंदर 5 करोड़ लोग इस वायरस से ग्रसित हैं आने वाले समय में इसको रोकने में कामयाब होंगे।